चाय किसके लिए सजा के रखी हो? भैया की भी तो थी। तुमको क्या लगता है आएगा तो पिएगा, तभी ना पिएगा? क्या लगता है तुमको? जाने मन जाने अदा हो तुम। तो अभी कितना बज रहा है? अभी दोपहर के 12 बज रहे हैं। राधे राधे गाइस, सभी लोगों को स्वागत है एक और नए ब्लॉग में। तो मैं सीधा किचन से ही आप लोगों को स्वागत करती हूँ, क्योंकि मेरी एंट्री किचन से ही होती है ज़्यादातर, क्योंकि मुझे कुकिंग का बहुत शौक है इसकी वजह से। तो ये लौकी 5-6 दिन से रखी हैं, और ये है परवल लेके आई थी मैं। मुझे परवल की भुजिया बहुत पसंद है, तो इतना अच्छा परवल था कि एक भी बीज इसमें नहीं है, एक भी बीज एकदम मुलायम वाला। तो इसको मैं अभी ग्रेवी वाली बनाऊँगी थोड़ी सी, और लौकी का मैं थोड़ा सा लौकी का कोफ्ता बनाऊंगी या पकौड़े बनाऊंगी, कुछ भी इसका आज इस्तेमाल कर दूंगी, नहीं ये ख़राब हो जाएगा रख के। और बोलू स्कूल गए हैं 9 बजे, मैंने सोचा जाएगा स्कूल तो मैं उठा दूँ, तो 9 बजे उठाया तो बोला नहीं जाऊँगा। उसके बाद सडनली 11 बजे उसके दोस्त का फ़ोन आया, और जल्दी से उठा, ब्रश किया, 2 मग्गा पानी डाला, यूनिफॉर्म पहना, और न चाय ना नाश्ता कुछ भी ना करे, बैग वैग टांग के चला गया चुपचाप। अब देखो कितने बजे आता है, कुछ भी खा के नहीं गया, जैसे मैंने उस दिन बताया था कि कुछ खा के कुछ ले के कुछ भी नहीं, कोई मतलब नहीं। एक बच्चे होते हैं बहुत डिमांड करते हैं कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, अच्छे अच्छे कपड़े चाहिए, अच्छे अच्छे शूज़ चाहिए, जूता चाहिए, ये चाहिए, कोई डिमांड नहीं। बस अभी आएँगे तो ये है कि घर से बाहर नहीं निकलते, बस यही कि थोड़ा बहुत मैं कहती हूँ निकलना चाहिए, बाहर की भी दुनिया देखनी चाहिए। और नैन्सी स्कूल नहीं गई है आज, नैन्सी का 12 बजे का स्कूल है, तो नैन्सी डिसाइड नहीं कर पाती, नैन्सी गर्मी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाती, तो तैयार होने जा रही थी फिर एकदम से धीरे धीरे, तो मुझे फेस देख के पता चल जाता है कि इनका मन नहीं है जाने का। अब जब तक गर्मी रहेगी इनके साथ यही इशू रहेगा कि मैं क्या पहन के जाऊँ, इसमें बहुत गर्मी लगती है, वो होता है वो होता है। हम लोग के टाइम पंखा भी नहीं रहता था स्कूल में, पता है, तभी हम लोग रोज जाते थे 5-6 किलोमीटर पैदल चल के जाते थे, समझी, तुम्हारा 2 कदम तो स्कूल है, पंखे उंखे लगे रहते हैं। उसके बाद पूरा वीडियो देखिएगा, अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं थोड़ी देर में। पहले परवल को भूंजूंगी मैं, कहाँ सो गाइस, परवल को मैंने भून लिया अच्छे से, इसको बहुत ही ज़्यादा भूना, एक भी बीज नहीं था इसमें, बहुत अच्छा परवल था, ऐसे परवल अच्छे लगते हैं। और इधर मैंने तड़का दिया है, छोटी सी प्याज और 2 टमाटर और थोड़ा बिल्कुल थोड़ा सा पचफोड़न, तो उसी का तड़का दिया है, मसाले वगैरह ऐड कर दिए हैं इसमें। इधर आलू उबाल के रखा है तो इसको इसमें ऐड करूँगी। आलू को भी मुझे भूनना था, जैसे मैंने परवल को लाल किया वैसे आलू को भी मुझे रेड करना था, लेकिन आलू छोटे छोटे थे और मैंने ध्यान नहीं दिया, 2 सीटी लगा दिए तो ओवर कुक हो गए, तो इसकी वजह से मैं भून नहीं पाई। तो इस मसाला तैयार हो जाए उसके बाद इसमें ऐड करूँगी। मसाला डन हो चुका है, मैं थोड़ा सा अलग तरीके से बना रही थी, थोड़ा डिफरेंट टाइप, तो मुझे लगा पूरा शेयर करूँगी आप लोग के साथ, लेकिन आलू मेरे ओवर कुक हो गए तो इसकी वजह से मैं नहीं कर पाई। अब इनको ऐसे ही ऐड कर दूँगी, चलो ग्रेवी ठीक हो जाएगी इसकी वजह से। पोछे से लाल हो जाएगा, रुको अभी वो करेंगे, दूसरे कपड़े से पोछेंगे। हलवाई स्टाइल आलू परवल की सब्जी, सुपर यम्मी। मनोज तिवारी को जो बोला परवल बना के दे दूं, दे मत दियो गलती से, खाऊंगा नहीं, मैं वापस नहीं आऊंगा। बीज नहीं होना चाहिए, बीज बिल्कुल इसमें था नहीं, इतना अच्छा परवल था।
कि मैं भुंजिया बनाती तो मुझे कितना अच्छा लगता। क्या कर रही हो? चाय बना रही हैं नैन्सी और ब्रेड सेक रही हैं मक्खन लगा के। 10 वाला मक्खन आया है। बन गई चाय? गर्मी लग रही है ना? और क्या, इनका हाई रहता हर चीज, पेट भर के खाना नहीं खाएंगे। ये लौकी को मैंने कद्दूकस किया और इसका पानी निचोड़ के रिमूव किया। अभी मैं इसमें ऐड करूंगी बेसन पैकेट वाला और इसको इसके पकोड़े बनाऊंगी। तो इसमें कई सारी चीज़ें ऐड करूंगी मैं। थोड़ी अजवाइन क्रश करके, फ्लेवर अच्छा आता है, और थोड़ा सा हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर ऐड नहीं करूंगी क्योंकि ग्रीन चिली ऐड करूंगी। ये कैंची मेरी किचन की है तो इससे और कुछ भी नहीं कटता, इसको मैं किचन में रखती हूँ। थोड़ा सा धनिया पत्ता ऐड करूंगी, फ्रेश है बिल्कुल, अभी लेके आई हूँ थोड़ी देर पहले। तो क्या बना रही हूँ आप लोग को तो पता चल ही गया होगा, लौकी के कोफ्ते बनने जा रहे हैं। अभी भी इसमें घर वालों का कुछ हुआ नहीं कि कोई खाएगा नहीं खाएगा, मैं अपने मन से बना रही हूँ। अभी इसमें नमक ऐड करूँगी अकॉर्डिंग टू टेस्ट या थोड़ा कम। मैं अपने गेटअप में आ चुकी हूँ।
9 बजने वाला है अभी रात का, और मेरा कोफ्ता बन रहा है इधर, इधर चाय बन रही है थोड़ी सी। सर आए हैं ड्यूटी से तो सर के लिए बन रही है और थोड़ी मेरे लिए, मैं इस टाइम चाय पीती हूँ रात में। 9 बजे मुझे थोड़ी चाय चाहिए होती है हमेशा, चाहे गर्मी हो चाहे ठंडी हो, तो बहुत थोड़ी सी बना रही हूँ। एक एक पकड़ लो, देखो गर्म नहीं है, ठंडा लो, ज़्यादा नहीं है ना, थोड़ी लौकी लाई थी मैंने कहा कैसा है, तुम भी ले लो एक। सर ला, खात रहा पढ़ात रहा, देर हो रही है, लो सर मिर्चा देख के खाना, नहीं छनछना जाओगे। वैसे डाला नहीं, कितना कैसा है, नैन्सी खाई नहीं, तू बता कैसा है, तुम्हारा मुंह नहीं दिख रहा बेटा, बाल वाल ना सही करो। ये हरा धनिया, इतना मिर्चा नहीं डाली हूँ, थोड़ा ही डाली हूँ। मनोज तिवारी खा लेंगे तो हो गए, छनछना के का बालकनी भाग जाएंगे, इतना तीखा ऐसे लाल मिर्च नहीं डाली जो मुंह बना रहे हो अभी से, तुम बताओ रानी। तीखा नहीं है हरा मिर्चा,